नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं में विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ गणेशोत्सव का चौथा भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के तीसरे भाग में हमने अध्ययन किए थे गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जमाने से शुरू हुई है, अर्थात यह प्राचीन काल से भी प्रचलित है और गणपति शैव परिवार का एक देवता माना जाता है। शिव पुराण में एक कथा है प्रचलित। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी तो किसी रखवाले की जरूरत थी। मिट्टी से एक मानव की मूर्ति बनाई और उसे सजीव कर दिया और रखवाले के रूप में उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। जब शंकर जी वहां आते हैं तो द्वार रक्षक उन्हें रोक लेता है। शंकर जी क्रोध के आवेश में उसका सिर काट डालते हैं। जब पार्वती यहाँ देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उनके इस दुख को समाप्त करने के लिए शंकर जी इंद्र के हाथी का सिर लाकर उस शरीर पर लगा देते हैं और वही है गणपति। गणपति को विघ्ननाशक बुद्धिदाता माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। परंतु हाँ, इस संबंध में भी एक कहानी है। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। शिव पार्वती को अमृत का अद्भुत मोदक अर्पण करते हैं। शिव पार्वती के दोनों पुत्र कौन? गणेश कार्तिकेय उस समय वहाँ खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती जी कहती हैं दोनों पुत्र से, जो भी दोनों में से पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके सबसे पहले मेरे पास आएगा उसे यह मोदक मिलेगा। माँ की बात या शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हो जाते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन गणेश जी वहीं रुके खड़े रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अपने माता पिता की बड़ी ही श्रद्धा भाव और भक्ति भाव से परिक्रमा शुरू की और जब परिक्रमा पूर्ण हो गई तो प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस परिक्रमा करके आ गए। अब सभी उपस्थित देवता इसी विचार में थे कि जिसने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण की है उसे ही यह मोदक मिलेगा, अर्थात कार्तिकेय को। पर पार्वती जी ने कहा, माता पिता जो है सारे संसार से सारी पृथ्वी से महान और श्रेष्ठ होते हैं। और गणेश ने यह बात भली भांति समझी, इसीलिए यह मोदक मैं गणेश को दूंगी। शिव जी भी गणेश से प्रसन्न हुए और वर प्रदान करते हुए कहते हैं, हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी गणेश। तब से गणेश की पूजा ही हर किसी कार्य में शुरू करने की प्रथा चल पड़ी। गणेश चतुर्थी के दिन एक और मज़ेदार बात हुई। कौन सी? आइए जानते हैं। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए वरना चोरी का आरोप या इल्ज़ाम सिर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस बात को बड़े मना करते हैं उसी को हम बरबस करते हैं और उसी पर ध्यान देते हैं। अगर भूले से भी चंद्र दिखाई दे गया तो फिर मन में पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हाँ चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इस रूढ़ी के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है, पुराण संबंधी, जिसका पुराण में उल्लेख किया गया हो। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और इसी हड़बड़ाहट में वे चूहे के ऊपर से नीचे गिर पड़े और यह देखते ही चंद्रमा को बहुत ही जोर से हंसी आ गई।
लेकिन गणपति को क्रोध आया और वह चिढ़ गए। उन्होंने तुरंत चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। यह सुनकर चंद्रमा घबरा गए और उसने गणपति से बहुत विनती की। विद्यार्थियों, यह पाठ जो है मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अब आइए जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए और गृह पाठ। कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी, लेकिन मोदक गणेश जी को क्यों मिला? कार्तिकेय ने ही पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण की, परंतु गणेश ने पिता माता पिता की श्रद्धा से और भक्ति भाव से परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। तब माँ पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से महान और श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए यह मोदक गणेश को मिलेगा। विद्यार्थियों, शेष प्रश्न इस पाठ के अगले भाग में पूर्ण करेंगे। इसी पाठ के पांचवें भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगी।